Hey guys, what's up and welcome back to another video. काफ़ी टाइम बाद आज हम वीडियो डाल रहे हैं बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था एंड वी वर डूइंग ओनली लाइव स्ट्रीम्स. आप लोग देख ही रहे थे, हम लोग लाइव स्ट्रीम ही कर रहे थे एंड रिसेंटली हम लोग ने शॉर्ट्स अपलोड करना भी स्टार्ट किया है, तो बस चेकआउट कर लो जो भी शॉर्ट्स हैं हमारे. और बात करते हैं आज के प्रीमियर लीग मैच डे की. भाई इट वॉज सो क्रेजी. और मेरे साथ उसके लिए बात करेंगे विपुल, एज ऑलवेज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड. तो भाई विपुल, स्टार्टिंग ऑफ विद आर्सेनल एंड टॉटनम गेम यार, 3-1 to Arsenal एंड क्या आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत रहा है? मेबी भाई मेरे को तो डर लग रहा है यार, लंदन क्लब जीतने वाली है. मेबी अभी ऐसा लग रहा है यार कि आर्टेटा पेप का 2.0 वर्जन बन गया है फाइनली. हो सकता है यार, जो हम लोग उसको मजाक उड़ाते थे कि यार असिस्टेंट है, बट फाइनली ही शोइंग ऑफ. उसकी टीम खेल रही है भाई एज ए टीम. तो भाई उस गेम के ऊपर बात करते हैं, आर्सेनल वर्सेस टॉटनम 3-1 जो फिनिश हुआ. द थ्री गोल स्कोरर पार्टे, जेसस एंड शाका फॉर आर्सेनल और हैरी केन विद द पेनल्टी फॉर स्पर्स. लेकिन टॉक अबाउट पार्टे स्ट्राइक ब्रदर, क्या गोल मारा है यार थॉमस पार्टे ने. भाई मुझे ऐसे गोल बहुत अच्छे लगते हैं जो मतलब आराम से खड़ा है बंदा, बॉल आया विप इन विद प्रॉपर बैलेंस टॉप कॉर्नर में, अगर आपने अच्छा फिटनेस शॉट मारा है ना, ब्यूटीफुल गोल भाई. क्या गोल था यार, मैं तो एकदम मेजमराइज हो गया वो गोल देख के, एब्सोल्यूट ब्यूटी. बट बात करते हैं कि आर्सेनल वर्सेस टॉटनम, जब मैंने लाइनअप देखा था एज यूजुअल मैंने एक्सपेक्ट किया था कॉन्टे विल सिट डीप, आर्सेनल के पास ज़्यादा पोजीशन रहेगा, हाईलाइट खेलेंगे, अटैक करेंगे. हुआ आर्सेनल ने एग्जैक्टली वही चीज़ की, लेकिन एक टाइम आया जब स्पर्स अपने शेल से निकल के आर्सेनल को काउंटर प्रेस कर रहा था और दोनों की डिफेंस इतनी शिट हो गई थी ना एक टाइम के बाद कि इतना ओपन गेम लगने लगा था. मतलब लेफ्ट साइड देखो राइट साइड देखो, हमेशा एंड टू एंड गेम स्टफ है भाई. स्पर्स के बॉक्स में, आर्सेनल के बॉक्स में खाली प्लेयर्स भागे जा रहे हैं लेफ्ट राइट तो हर मिनट ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ होने ही वाला है. तो इतना ओपन गेम देख के मज़ा ही आ गया, मैं तो ये बोलूँगा प्रॉपर डर्बी था. आई रियली लव्ड इट एज ए न्यूट्रल फैन देखने को. बट यार सच में ये स्कैरी है कि आर्सेनल आर सिटिंग इन फर्स्ट पोजीशन और स्टार्टिंग में तो जोक कर रहे थे कि फर्स्ट है हो जाएगा नथिंग. नौ गेम, दिस इज मैच वीक 9, 9 हफ्ते निकल गए एंड दे आर स्टिल सिटिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन. सो भाई ये कोई फ्लूक नहीं है, आर्सेनल हैव चेंज्ड, आर्सेनल की टीम चेंज हो गई है, आर्सेनल के प्लेयर्स में केमिस्ट्री डेवलप हो गई है बिल्कुल. बहुत सही, मतलब क्या बोला, अभी जो गेम में हुआ कॉन्टे को बहुत सोचना पड़ा है गैस, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था आर्सेनल ऐसा खेलेगी. उसने मतलब मे बी उसका माइंडसेट ऐसा था कि इंटरनेशनल ब्रेक था, प्लेयर थोड़े बहुत प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे एंड थोड़े एक दो वीक बाद आए प्लेयर्स, तो उनके अपोनेंट का भी माइंडसेट थोड़ा अलग रहेगा. तो उसने वही अपना जो नॉर्मल डिफेंसिव फॉर्मेशन है वही खेलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला. एंड एक पॉइंट के बाद कॉन्टे को भी थोड़ा अटैकिंग रोल अटैकिंग टैक्टिक आजमाना पड़ा एंड गेम स्पर्स हार गई इन द 62nd मिनट जब एमर्सन रॉयल को रेड कार्ड पड़ा था. भाई मेरे हिसाब से तो ब्लेटेंट रेड कार्ड था, मैंने लाइव देखा था, क्योंकि जैसा मार्टिनेली ने स्ट्रेट फाउल होने के बाद रिएक्ट किया था ना, मुझे लगा भाई ये कोई सीरियस इंजरी है. मैंने तब भी रेड कार्ड एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि इतना तेज़ी से वो फाउल हो गया कि समझा नहीं, मुझे लगा मे बी येलो कार्ड मिलेगा. बट जब रेफरी ने स्ट्रेट रेड निकाला ना, तो मेरे को लगा भाई व्हाट द फक. लेकिन रिप्ले दिखाया तब पता चला कि उसका एंकल ऐसे है, उसका फुट इतना ट्विस्ट हो गया इन द 90 डिग्री, वो एंगल 90 डिग्री की बन गई थी एकदम, इतना बैड टैकल था वो. तो हाई एंकल हमेशा रेड कार्ड का इंडिकेशन है. तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि दैट्स नॉट अ रेड कार्ड डिजर्विंग, बट आई थिंक इट इज़ अ रेड कार्ड फ्रॉम माई ओपिनियन. स्टड्स शोइंग ऑफकोर्स. तो भाई वो गेम तो 3-1 खत्म हो गया, आर्सेनल आर लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस. सिर्फ एक ही मैच हारे अब तक. तो मूविंग ऑन, उसके बाद 5 मैच एक ही टाइम पे थे, 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. तो पहला मैच में सबसे पहले बात करूंगा द वन टू लुक फॉर. भाई विपुल हाफ डे लेके आ रहा था, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला भाई कचरे मैचेस है, छोटे मैचेस है, क्या देखेगा, मतलब कोई बड़ी टीम कॉम्पिटिट तो कर नहीं रही है, इतना कुछ है नहीं. बट यार बड़ी टीम तो अब लिवरपूल हो गई है, टॉक अबाउट देम मैन, 3-3 टू ब्राइटन एट होम एट एनफील्ड, द क्लॉप्स लिवरपूल 3-3. और वो भी ब्राइटन का मैनेजर ग्राहम पॉटर छोड़ के चेल्सी चला गया है, उसके बावजूद ब्राइटन सो शार्प सो परफेक्ट ऑन द अटैक. भाई
मज़ा आ गया यार मुझे मैच देख के। मैं एक एक मिनट इंजॉय किया उस मैच का, जो एंड टू एंड स्टफ, जो मिडफील्ड बैटल, डिफेंसिव बैटल्स देखे ना मैंने, इट वॉज सो गुड भाई। क्लॉप बहाने ढूंढ रहा था लेकिन उसको मिला नहीं क्योंकि एनफील्ड में मैच हो रहा था, नहीं तो पक्का बहाने के साथ आता वो बाद में। लेकिन टॉकिंग ऑन द गेम, लियांड्रो ट्रॉसार्ड भाई, बार बार स्पेलिंग गलत हो जा रही है, लियांड्रो ट्रॉसार्ड विद द हैट्रिक, व्हाट अ प्लेयर यार भाई, कसम से जो फिनिश की है ना उसने, आई थिंक ब्राइटन डिजर्व टू विन दिस गेम। एलिसन ने भी सेव्स किए हैं तो भाई ब्राइटन को जीतना चाहिए था। लिवरपूल स्कोर फर्मिनो विद टू गोल्स और एक ओन गोल गया था उनका बाय द वे, आई मीन ब्राइटन ने ओन गोल मार दिया था, तो 3 goals फॉर लिवरपूल। बट यार विपुल, लिवरपूल के साथ क्या चल रहा है भाई, द मेन मैन भाई अलेक्जेंडर आर्नोल्ड क्या कर रहा है वो तो कवर करना ही भूल गए सर को। मैं तो बोल रहा हूँ भाई सर के लिए एक अलग से वीडियो बनाते हैं, सर अलेक्जेंडर आर्नोल्ड नाम रख दो उसका भाई, एक अलग से वीडियो बनाना ही है उसका भाई। वो कैसे है राइट बैक, मेरे को लग रहा है ये दो तीन सीजन्स में, मतलब बोलते हैं ना डिफेंसिव लाइन के वजह से वो इतना उसका गेम प्ले नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो गोल्स एंड असिस्ट के वजह से हाइड बच जाता था कि भाई हाइड हो जा रहा था, लेकिन उसका डिफेंसिवली कोई नहीं देख रहा था उसको, लेकिन अब भी उसके डिफेंसिव डिजास्टर्स दिख रहे हैं। अरे भाई जो सब लाइन लाइट जो कटा है ना, जो चूतिया कटा है विद वैन डाइक एंड विद अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई, वैन डाइक फिर से वो अपना स्टेशनरी जो अपना यू नो एस आगे करता है, हाथ पीछे करता है, उसने वो अपना आइकॉनिक पोज बनाया अपना जो भी था। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एज यूजुअल जो हम बोलते हैं कि प्ले स्टेशन का कंट्रोलर बंद हो गया, बंदा यू नो स्टैटिक खड़ा है भाई। आज ब्राइटन बेशरम भाई, मतलब शर्म आनी चाहिए अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, और लिवरपूल फैंस भी ये चीज़ से एग्री करेंगे। आज ब्राइटन सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साइड से अटैक कर रही थी, ओनली अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साइड से। वो लोग तो सिमिकास का साइड मेरे को याद भी नहीं है कि उस साइड वो लोग बॉल भी लेने गए थे, वो लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड थ्रू आउट द गेम, और तीनों गोल उनके वहीं से आए, और 2 कन्वर्ट हो सकते थे, बट थैंक्स टू एलिसन यू नो 5 goals 6 goals जा सकते थे आज टू ब्राइटन। लेकिन यार ये सीरियस कंसर्न है, और कभी भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आके या इंस्टाग्राम और कहीं भी ट्विटर मतलब यूट्यूब के कमेंट्स में भी आके मत बोलना यार कि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। अरे भाई राइट बैक का काम क्या होता है दुनिया में, इस वक्त 2 ही राइट बैक मेरे नज़र में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट है इस वक्त, कारवाहाल एंड रीस जेम्स। भाई अगर आप राइट बैक हो, आपका काम है यू शुड बी डिफेंसिव रादर देन अटैकिंग। अगर आप डिफेंड ही नहीं कर रहे हो, अगर आप मतलब यू नो सेंट्रल बैक से प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई काहे का राइट बैक, जा राइट विंग पे खेल, अटैक ही करना है तो फॉरवर्ड पोजीशन पे हो जाना भाई। राइट बैक का एक सप्लीमेंट्री होता है कि वो अटैक कर सकता है, तो वो थोड़ा विंग्स में हेल्प कर देता है यही चीज़। लेकिन यार इधर तो उल्टा ही है, इधर तो ये अटैक करता है, डिफेंस कम करता है, ये तो फिर फॉरवर्ड का काम हो गया ना कि ट्रैक बैक करो और बस गेम डिफेंड करो। कैसे यार ये भाई, कैसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट राइट बैक बना दिया गया भाई। अब ये एक्सपोज हो रहा है, अब ये प्रॉपरली एक्सपोज हो रहा है, या तो 2 चीज़ें, या तो ये अपनी डिफेंडिंग भूल गया है, इसको मतलब नहीं है, या तो मतलब बोलते हैं ना एक प्लेयर एक टाइम के बाद लेजी हो जाता है कि उसको लगने लगता है कि वो बेस्ट है, ये चीज़ हो गई है इसके साथ है। ओवर कॉन्फिडेंस। और भाई जो बंदा गायब हो गया है रिसेंटली, पता कौन है वो जो बंदा गायब हो गया फ्रॉम लिवरपूल, नाम ही नहीं आ रहे भाई उसके, द 100 million स्ट्राइकर डार्विन सर भाई 100 million भाई 100 million इज समथिंग, 100 million इज समथिंग भाई, 100 million में क्या क्या आते हैं पता है दुनिया में। आजकल फुटबॉल का ट्रांसफर मार्केट जो फक्ड है ना भाई, उसको जगह नहीं मिल रही, और आया ना जब वो भाई वो पता है ब्लैक कलर के ट्रैश बैग्स होते हैं, उसको ऐसे उल्टा करेगा ना वो डार्विन नूनेज लग रहा था मेरे को आज, प्रॉपर ट्रैश भाई, प्रॉपर ट्रैश। इवन क्लॉप गुस्सा हो रहा था कि कर क्या आ रहा है, सोच क्या आ रहा है, मैं उसके रन्स देख रहा हूँ ना भाई, 15 साल का लड़का उससे अच्छा रन बना रहा है पता है भाई, उससे रन नहीं बन रहे यार। या तो उसको चलो टाइम दे देते, देखते 6-8 महीने में क्या करता है, आज इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, नया है टाइम लगेगा, टाइम लेगा, लेट्स सी यार। लेकिन 100 million पे क्या है, यू शुड हैव अडैप्टेड द लीग क्विकली, क्योंकि वही बड़े प्लेयर्स का काम है। हालैंड को देख लो भाई, हालैंड छुप रहा है उधर, और कल फट रही है मेरी बिकॉज वी हैव डार्बी, तो भाई क्या बोले
भाई मूविंग ऑन, सैला भी वैसे गायब है फॉर लिवरपूल। सैला भाई सैला, बट क्लॉप का फर्मिनो डिसीजन अच्छा था, हां ऑब्वियसली फर्मिनो ओवरऑल अच्छा गेम खेला। मैं पहली बार तो समझा ही नहीं कि जब जोटा साइन किया, जब डियास साइन किया, फर्मिनो को क्यों बेंच किया। फर्मिनो ने गलत क्या किया था कि फर्मिनो को बेंच करना पड़ गया। आज फर्मिनो पता है जब सेकंड गोल मारा, आई थिंक उसने ना एक साइलेंट वाला कुछ सेलिब्रेशन किया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ उसने सेलिब्रेट किया था जिसमें ना उसने बताया कि मतलब वो अभी भी यहाँ पर है ऐसा। हाँ वो अच्छा चीज है यार, मतलब फर्मिनो को लोग भूल गए कि उसने क्लब के लिए क्या क्या किया है। सो वो जो भी है, लिवरपूल एंड ब्राइटन फिनिश 3-3, और लिवरपूल का सीजन पता नहीं कैसा एंड होने वाला है। क्लॉप कब तक जॉब पे रहेगा आई डोंट नो। क्लॉप एंड द सेवन सीजन इज अ लव स्टोरी, वो आप लोग को हिस्ट्री बता देंगे कभी। बट मूविंग ऑन द बिग गेम फॉर लिवरपूल, चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। भाई चेल्सी वन द गेम 2-1, मैं बोलूँगा विन इज अ विन डेफिनेटली, बट सैटिस्फाइंग विन तो नहीं था भाई। थैंक्स टू कॉनर गैलेगर भाई, 90th मिनट के आसपास, 89-90 मिनट के आसपास, व्हाट अ वंडरफुल गोल, परफेक्टली टॉप कॉर्नर। इतना क्रिटिसिज्म में वैसा गोल मारना मतलब बहुत ही, और भी जरूरत की गोल थी, ऐसा भी नहीं कि 2-1 अब तो आपने 3-1 कर दिया, इट वॉज सुपर। बट आगे की चीज़ विपुल से सुनते हैं भाई, विपुल गेम के बारे में ज़रा डिस्कस करो भाई। पहले तो कैपा ने कैसे स्टार्ट किया वो बात थी। ऑफकोर्स मेंडी इंजर्ड है, एंड कैपा ऑफकोर्स उसने थोड़े बहुत स्टॉप्स किए, तो ये देख के अच्छा लगा कि है वो अपने बेस्ट फॉर्म में तो नहीं है ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट क्या मेंडी आने तक कुछ ना कुछ वो रिकवर कर लेगा। और अगर गोल्स पे आते हैं तो पहले तो पहला गोल पैलेस ने मारा, एंड इनसाइड 10 मिनट्स में मारा था, सेवेंथ मिनट उधर ही, मतलब सेवेंथ मिनट पे मारा गोल। एंड आई गेस उस गोल में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, अच्छा क्रॉस था एंड अच्छा गोल था, वॉली था। एंड आई गेस उसमें ट्विटर पे लोग फोफाना को ब्लेम कर रहे हैं, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आई गेस चेल्सी के मिडफील्ड थोड़ी लैक कर रही थी किधर ना किधर, जिस वजह से क्रॉस आया अच्छा एंड गोल खाई चेल्सी। बट अगर चेल्सी के गोल्स को भी, दोनों गोल्स को भी असाइड रखे तो चेल्सी मेरे को लगता नहीं है कि अभी भी वो लेवल रीच की है। पॉटर के प्लेयर्स नहीं है, तो मतलब जो अभी भी जो शेप है चेल्सी का वो अभी भी टूकल के अराउंड ही है। मेरे को अभी भी इसमें पॉटर का प्रेजेंस दिख नहीं रहा है, या अभी भी एक टूकल की टीम है। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि पॉटर जल्दी से जल्दी ग्राउंड रन करे भाई, प्लेयर्स को अपना टैक्टिक सिखा दे, क्योंकि प्लेयर्स अभी भी बोलते हैं ना वो पोजिशन गेम प्ले या फिर लॉन्ग बॉल्स कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं ना ट्राई नहीं कर पा रही। कुलुबाली क्यों बेंच पे था वैसे? कुलुबाली पता नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है फॉर्मेशन भी चेल्सी का बहुत अजीब है। कोई कोई बोल रहे हैं कि जब पिच पे ऑन पेपर 4 at the back है, लेकिन जब पिच पे आ रहे हैं ना तो 3 at the back जा रहे हैं ऐसा। हाँ बट देखने के लिए भी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि दो सेंटर हाफ्स थे फोफाना और टियागो सिल्वा ऑन पेपर, लेकिन जब मैच देख रहे हैं तो भाई रीस जेम्स भी पीछे है, कभी विंग बैक जा रहा है। सो बहुत कंफ्यूजिंग था चेल्सी का, मतलब वही चीज़ है, फॉर्मेशन ही नहीं बैठा है, शेप ही नहीं है चेल्सी के पास अभी भी। मतलब मैंने यहाँ पर देखा है कि जैसे अस्पिलिक्वेटा बेंच पे है, कुलुबाली बेंच पे है, और मेरे को तो कुकुरेला भी कहीं दिख नहीं रहा, इंजर्ड है क्या वो कुकुरेला? हाँ नहीं नहीं नहीं, कुकुरेला इंजर्ड मेरे को ये एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा बट चिलवेल खेला, चिलवेल आई गेस लास्ट गेम गोल मारा था, तो इसके लिए उसको इस बार चांस मिल गया। ये क्या है भाई, लास्ट गेम में गोल मारा था चांस, क्योंकि यार कुकुरेला तो पॉटर का बंदा है, पॉटर का, तो अगर कुकुरेला है ना तो चिलवेल को लात मार के निकालो भाई, कुकुरेला को खिलाओ, क्योंकि पॉटर जानता है उसको इन एंड आउट। तो जब कोई नया मैनेजर आता है तो वो यही कोशिश करता है कि उसके बंदे लोग आए और उसके लिए परफॉर्म करें, तो यार एक बंदा उसके पास ऑलरेडी है कुकुरेला, वो तो बेंच पे भी नहीं है, तो अनटिल एंड अनलेस उसको कोई इंजरी है तब ठीक है, नहीं तो यार पता नहीं इसको क्या नफरत हो गया लगता है, बिठा दिया उसको। नहीं नहीं नहीं, नफरत की बात नहीं होगी,
मैं भी चिलवेल का फॉर्म अच्छा चल रहा था, तो उस वजह से बोलते हैं ना उसको एक मोमेंटम मिलने के लिए मैं भी उसको बोलते हैं ना स्टार्ट दिया। लेकिन भाई फर्स्ट गोल आई थिंक इन प्रीमियर लीग फॉर पियर अमीर ओपामियांग फॉर चेल्सी अम्माबियांग राइट, बहुत अच्छा फिनिश था। एंड आई गेस देखो पता है किसने असिस्ट दिया? Yes. एक सेंटर बैक ने असिस्ट दिया एंड पता नहीं सिल्वा इतना आगे क्यों खेल रहा था, बट देख के अच्छा लगा कि भाई किसको तो कंट्रीब्यूट करना है इस टीम में। मेबी वो ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा कि भाई तुमसे नहीं होगा मैं आता हूँ। नहीं होगा मैं ही आ जाता हूँ। एंड अच्छा फिनिश था भाई ऐसी, मतलब अगर अबामियांग को एटलीस्ट बोलते ना भाई 10-15 गोल्स एंड असिस्ट ये सीजन मार भी ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो इतना मारे तो एटलीस्ट चेल्सी को मैं टॉप फोर में देखूंगा मे बी, अगर हमारा स्ट्राइकर चल जाए तो, वरना मुश्किल है। एंड अगर सेकेंड गोल द मैच विनर अगर मैं बोलूँ भाई क्या गोल था, एंड उसने जब इसमें मिस किया था पेनल्टी, आई गेस फ्रेंडलीज था वो यूएसए में, भाई इंग्लिश प्लेयर्स एंड पेनल्टीज, लवली लव स्टोरी। आई गेस उसने पैने का मारने गया वो, बहुत ही शिट पेनल्टी था। नहीं पैने का नहीं, नहीं ब्रो मेरे को याद है। अच्छा बहुत शिट पेनल्टी था, वो प्लेस करने गया, वो इतना गंदा फुट पे लगा ना उसके कि वो भाई लिटरल पे सच बता रहा हूँ भाई, कभी कभी ऐसा कुछ कुछ लोग ऐसा खेलते कि ऐसा लगता है 15 साल के बच्चे इनसे अच्छा खेलते यार। बाकी सेकंड असिस्ट भी जो गैलेगर का गोल था उसमें असिस्ट पता है देखो किसका है? पुलिसिक का भाई। आई मीन अचानक से चेल्सी ऐसी वियर्ड क्लब हो गई है ना, कोई ऐसा लगता है कोई भी खेल रहा है कोई भी असिस्ट दे रहा है, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। वियर्ड क्लब नहीं बोल सकता, ये अभी भी ना मैनेजमेंट नहीं है प्लेयर्स का, इसके लिए चेल्सी मतलब स्पोर्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रही है कि मतलब भाई एक 11 भाई 4-5 साल एटलीस्ट 4-5 साल के लिए एक टॉप 11 रखे टीम में, वही चीज़ सेट नहीं हो रही है। मैनेजर्स भाई कंटिन्यूसली चेंज होने की वजह से भाई हर मैनेजर को अपने प्लेयर्स चाहिए, तो अपना प्लेयर्स भाई नेक्स्ट सीजन मंगाता है भाई, और भाई तो और वो प्लेयर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं खिलाने के लिए, इतना इतना बजट मांगता है वो, फिर 200-250-300 मिलियन का बजट मांगते हैं वो लोग। यही प्रॉब्लम यूनाइटेड के साथ बरसों से होते हुए आया है। हाँ बट फिर भी ये सीजन यूनाइटेड रख रही है एक अच्छा टीम, स्टार्टिंग 11 रख रही है। अब जाके कुछ डेड फील हो रहा है दिल से भाई, डेडवुड फ्रिज जैसे प्लेयर्स को निकाल रही है क्लब से। माफी भाई माफी उस बंदे से, माफी भाई उसको जो बैकिंग मिलती है ना मीडिया से क्रेजी है। तो यार ये तो हो गई चेल्सी की बात है भाई, चेल्सी 2-1 जीत गए, डिसेंट विन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे नहीं पता मैंने मैच देखा नहीं डिजर्व्ड है कि नहीं है, डिसेंट विन, और मे बी नेक्स्ट टाइम उनको कुछ यार गेम किल करने को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने मैच थोड़ा सा ही देखा था, मेरे को इतना समझा था कि चेल्सी आर स्ट्रगलिंग फॉर गोल्स, इतना मैंने देखा स्ट्रगलिंग। एंड अगर तू आधे घंटे के लिए भी मैच देख रहा है जिसमें गोल्स नहीं जा रहे चेल्सी के, तो तू बोर हो जाएगा, लिटरली बोर हो जाएगा, बहुत ही एक अभी भी फन टीम नहीं है। हाँ वही मेरे को पता है यार, बहुत मिडफील्ड डिफेंस में बॉल खेलते हैं वो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ठीक है मूव ऑन करते हैं उसके साथ, चेल्सी वन द मैच बाय द वे। तो बॉर्नमथ वर्सेस ब्रेंटफोर्ड भी हुआ था उसी के साथ, दैट गेम एंडेड अप नील, पता नहीं प्रीमियर लीग कैसे नील एंड अप हो जाता है। एंड फुलम वर्सेस न्यूकासल बाय द वे, न्यूकासल 4-1 जीता है अगेंस्ट फुलम, एंड मिगुएल आल्मेरॉन ने 2 गोल मारा था, रेड कार्ड फॉर फुलम अर्ली ऑन 8 मिनट्स पे, तो जैसे ही रेड कार्ड पड़ती है तो एक टीम मनी मन हार जाती है भाई, वी आर ऑन ऑलरेडी ऑन 10 men इनसाइड 10 minutes, बचाई क्या। एंड फ्रैंक लैम्पार्ड भाई, लैम्पार्ड हैव वन द गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन, उनके साउथहैम्पटन के ग्राउंड में लैम्पार्ड हैज वन द अवे गेम भाई, बिग अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भाई, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि अभी स्टीवन जेरार्ड जाने के बाद आई थिंक लैम्पार्ड का ही नंबर है। हाँ हो सकता है जेरार्ड गया टूकल गया, मुझे लगता है लैम्पार्ड जाएगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है और भी लोग जाएंगे और भी जा रहे हैं। बट लैम्पार्ड का एक चीज मानना पड़ेगा, लास्ट 5 गेम्स में वो हारा नहीं है अभी तक। हाँ
हाँ मतलब प्रीमियर लीग में 3 ड्रॉ एंड 2 विन है अभी, कंटिन्यूस 2 विन है। फकिंग किडिंग मी, अबे 11th पे है एवर्टन। हाँ ओके, यस यस, यही तो बात है। लैम्पार्ड की कैसे ना कैसे निक कर रहा है वो, मतलब लिवरपूल एंड एवर्टन। लिवरपूल एक्चुअली एक गेम डाउन है वैसे, बट लिवरपूल एंड एवर्टन हैव द सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स। क्रेजी यार भाई, मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं, मतलब 2 के रेशियो में सबके सेम पॉइंट्स है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है ये सीजन। वरना कैसा था, टॉप 4 स्टैक रहता था अपने पॉइंट्स के साथ, एंड देन 5th, 6th, 7th, 8th अगर ऐसा देखते थे मे बी 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता था, और उसके नीचे मतलब सब अपने पॉइंट्स लेके घूम रहे हैं। मैं 4 पॉइंट, मैं 5 पॉइंट, ले ले तू 2 पॉइंट। लेकिन ये सीजन सबको जीतना ऐसा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मे बी दिस सीजन कुड बी आर्सेनल टॉप 4 कहीं ना कहीं। मैंने पहले ही बोला था, तुझे याद है, कहीं रिकॉर्डिंग होगा देख लेना, मैंने पहले ही बोला था आर्सेनल का टॉप 4 लग रहा है मुझे इस सीजन। तूने बोला था नहीं, वो स्टार्टिंग में ऐसा खेलते हैं हर साल, एंड टॉप 4 तो इस बार मुझे पता नहीं। ये तो है, हाँ ये बात मैं भी एग्री करता हूँ, बट पता नहीं इस साल मुझे लग रहा है टॉप 4 100% सिक्योर्ड है उनका। कैसे ना कैसे टॉप 4 तो लेना ही चाहिए, अगर इस बार भी नहीं ले पाए ना, जिंदगी भर आप वो कभी नहीं ले पाएंगे भाई, क्योंकि जो फॉर्म में है ना वो लोग अनबीटेबल। तो क्या पता आर्सेनल और सिटी का टक्कर हो यार इस साल फॉर द टाइटल भाई। हाँ। शॉकिंग। तो लास्ट गेम था वैसे वेस्ट हैम वर्सेस वुल्व्स एट 10 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वेस्ट हैम वन द गेम 2-0 एट देयर होम ग्राउंड, और डिएगो कॉस्टा को वैसे आज बेंच से लाया था वुल्व्स ने, एंड कुछ स्पेशल किया नहीं उसने। तो काफ़ी मैंने देखा लेजी मैच था उसकी तरफ से भी, आई थिंक वुल्स एक बोलूंगा बुड्ढा हो गया। और ऊपर से मतलब वुल्स ना यार एनर्जी नहीं है वुल्स में, अब पहले वाली वुल्स मतलब यार बोलते हैं ना बस खेलने के लिए खेल रहे हैं वैसा लग रहा था। तो ये थे भाई हमारे आज का, मतलब ये गेम वीक नहीं हुआ है, गेम वीक का सैटरडे हुआ है अभी, तो गेम वीक संडे बचा है, जो कि मैं वीडियो हम लोग बनाएंगे वीडियो अभी मैन सिटी वर्सेस यूनाइटेड का, देखते हैं प्रीव्यू भाई, बहुत ही बड़ा गेम है, वी विल बी लाइव, देखते हैं क्या होता है। बट जो भी आप लोग को मैच के बारे में लगा एज अ फैन, प्लीज़ कमेंट से बता दो, हमको भी अच्छा लगता है अगर आप इंटरेक्ट करते हो, तो हमको लगता है कि कोई व्यूअर हमारे साथ यहाँ तक रहा है। और इफ़ यू हैव वॉच द वीडियो अनटिल द एंड, प्लीज़ कमेंट कॉर्नर, तो विपुल आपको 100 rupees पेटीएम करेगा। तो कॉर्नर लिख के CONOR कॉर्नर लिख के अपना मोबाइल नंबर डाल देना आगे, विपुल आपको 100 rupees पेटीएम कर देगा। अनटिल देन सी यू गाइस।